फ्रेंड्स, जो लोग दूर से फ़ोन अनलॉक करना चाहते हो, उन लोगों के लिए वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं नहीं करते वो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो बंदा का फ़ोन है, ये देखो, ये वीवो V29e है, तो और इसको रिमोट अनलॉक करेंगे हम। और रिमोट अनलॉक के लिए एक अल्ट्रा व्यू और NEDX जो भी है वो लगता है, तो उन्होंने अल्ट्रा व्यू और का आईडी मेरे को सेंड किया। और ये देखिए, ये मेरा पीसी है, ये मेरा कंप्यूटर है, और इधर मैंने अपना अल्ट्रा व्यू ओपन किया, ठीक है। अभी उन्होंने जो आईडी दिया मेरे को, इस आईडी से मैं पहले इसका कनेक्ट करेंगे। जिसको भी करना है वो पहले इसको एक आपका अल्ट्रा व्यू डाउनलोड करना है, अल्ट्रा व्यू डाउनलोड करके मेरे को ये आईडी सेंड करना है, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कनेक्ट हो गया। ये उस बंदे का पीसी है, ये वाला, और ये अपना पीसी है। तो ऐसे ही कनेक्ट होता है, जो दूर से फ़ोन को अनलॉक करते हैं इसको रिमोट अनलॉक कहते हैं, तो ऐसे ही कनेक्ट होता है। अभी इसमें ये जो बंदा है, ये कोई शॉप ओनर नहीं है, और इसके पास जो ड्राइवर वगैरह है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए जो दुकानदार भाई है उसके पास उसका कंप्यूटर में ड्राइवर वगैरह सब रहता है, लेकिन जो नॉर्मल बंदा है उसके पास ये कुछ भी नहीं रहता, इसलिए इसके अंदर जो फ़ोन का जो ड्राइवर रहता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लूँगा। ये कस्टमर का पीसी है, ये वाला, और ये अपना पीसी है। तो इसमें मैं पहले इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लूँगा, क्योंकि ड्राइवर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ड्राइवर नहीं रहेगा तो फ़ोन का अनलॉक पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ड्राइवर मस्ट ज़रूरी है। तो उसका पीसी में मैं पहले इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लूँगा। और ये जो चिमेरा टूल है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपका पूरा ड्राइवर इसमें अंदर ही मिल जाता है, आपका बाहर से कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं इसमें। तो कस्टमर का जो एंटीवायरस है मैंने पूरा डिसेबल कर रहा हूँ, तो डिसेबल हो गया है। अभी आगे का काम जो ड्राइवर वगैरह है वो इंस्टॉल करेंगे। तो इधर पहले मैंने एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करना होगा। और आपका इसमें आप कस्टम कर सकते हो, इसमें फुल, मतलब इसमें जितना भी ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और आप कस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपका पास ऑप्शन आएगा, आप कौन कौन सी ड्राइवर को आप इंस्टॉल करना चाहते हो। इसमें आपका ADB भी लगेगा, HTC आपका HTC फ़ोन रहता है तो HTC कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़रूरत होता नहीं, LG ज़रूरत नहीं होता, हवाई का भी ज़रूरत नहीं होता, लेकिन आप इधर हवाई को रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। और जो भाई इसको कर रहा है, इसका
क्वालकॉम का है तो क्वालकॉम तो मस्त रहेगा, और बाकी ड्राइवर भी मैं इंस्टॉल करके दे रहा हूँ, आगे कोई काम होगा तो काम आएगा ये ड्राइवर। और ब्लैकबेरी का तो चाहिए नहीं, यूनिसॉफ जो स्पेक्ट्रम का ड्राइवर होता है ये भी लगता है, मोटोरोला ड्राइवर जो मोटो का फ़ोन होता है इस मोटो के लिए लगता है, तो अभी फ़िलहाल तो इसको चाहिए नहीं। तो काम जल्दी करने के लिए मैंने जो जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो मैं इंस्टॉल करके ले रहा हूँ अभी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल करने में, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। तो अभी इसका पूरा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है, इसको फिनिश करते हैं। और इधर डिवाइस मैनेजर ओपन करके इसका जो ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है वो देखते हैं कि सही से ड्राइवर इंस्टॉल हुआ या नहीं। हेलो, अपना अपना फोन को दिखा। हाँ, वीडियो को ऑन करो, पीछे वाला वीडियो ऑन करो। हाँ, फोन को स्विच ऑफ कर दो, अभी स्विच ऑफ कर दें। हाँ, फोन को स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ है अभी, फोन को स्विच ऑफ कर दिया ना आपने। अभी ये आ गया। हाँ, बस ऐसे ही रखना है और कुछ नहीं करना। केबल लगानी है कुछ ना? के हाँ, केबल लगा दो, केबल लगा दो। ओरिजिनल केबल है तो, दूसरा कुछ का केबल नहीं है ना? नहीं, ओरिजिनल। ठीक है, तो ये देखिए मेरा जो इधर अपना कंप्यूटर में कनेक्ट हो गया है इसका, ठीक है, कस्टमर का दिखा रहा हूँ, और आगे मेरा खुद का जो पीसी है वो मैं दिखा नहीं सकता है, ये टोटली प्राइवेट है, ठीक है, तो मैं सिर्फ कस्टमर का ही दिखाऊंगा और मोबाइल भी दिखाऊंगा, आप लोग देख सकते हो। ये नहीं, ये मैं वीडियो हो रहा है इसलिए, ठीक है। आपको फोन को टच नहीं करना, ठीक है? ये सिर्फ मैं कस्टमर का ही डेस्कटॉप दिखा रहा हूँ, ठीक है, इधर फोन का सर्विस हो रहा है, ठीक है। अभी कस्टमर को भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका जो फोन है उसका फोन का भी मैं ये सिचुएशन दिखाता हूँ। अपना फोन को दिखाओ, वीडियो कॉल में कर रहा हूँ, वीडियो आपने पॉज कर दिया। फोन को दिखाओ, साइड का की एक बार दबाओ, एक बार बस, अभी छोड़ दो।
अभी फोन ईडीएल मोड पर चला गया है, ठीक है। फोन अभी ईडीएल मोड पर चला गया है, अभी ये आपका फोन अभी हो गया है, पेमेंट डाल दो। हाँ आपका फोन हो गया, ठीक है, अभी पूरा ऑन होगा। इसमें एक सेकंड दिखाओ दिखाओ, इसमें क्लियर ऑल डाटा में ओके कर दो, क्लियर ऑल डाटा ओके कर दो। अभी तक तो आपने लेकिन पेमेंट मेरे को डाला नहीं, ठीक है, मेरा बहुत लेट हो रहा है इसलिए मैंने कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं फोन को दिखाओ, फोन को लाइन पर रखने दो। अभी स्टार्ट में ओके करो, स्टार्ट में ओके करो, स्टार्ट में नेक्स्ट करो, एग्री टॉल सेटअप ऑफलाइन करो, ऑफलाइन सेटअप ऑफलाइन, नीचे नीचे, हाँ कंटिन्यू करो। अभी हाँ मोड में क्या करो, एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट करो, दोनों नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, अभी स्टार्टेड कर दो, बस हो गया है फोन अभी पूरा कंप्लीट, ठीक है। आप मेरे को तुरंत पेमेंट डालो, ठीक है, और अपना एक बार फेस दिखा दो यार, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है काम करके? अच्छा ठीक है, एक्चुअली क्या है, अच्छा, एक्चुअली क्या है, बहुत आदमी ने मेरे को फोन करते हैं और कोई विश्वास करते नहीं है। एक्चुअली मेरा बहुत पैसा नुकसान हो गया है, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो मैं बिना पैसा लेकर काम करूंगा ही नहीं, और मैं तो काम करने वाला भी नहीं था। एक्चुअली सब कुछ सेटअप हो गया था और आपको सही लगा इसलिए मैंने आपका काम कर दिया, और मेरा भी लेट हो रहा था, और ये जो सर्वर है ना, सर्वर बंद हो जाता तो पूरा खेल बिगड़ जाता, फिर आपको काल, हाँ इसी वाली क्योर पे कर दीजिए, ठीक है। और एक काम कीजिएगा, आप जो हो गया आपका वीडियो का एक छोटा सा क्लिप निकाल के मेरे को दीजिएगा, ठीक है, और मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। आप चाहो तो आपका फेस में ब्लार कर दूंगा, और नहीं तो आप नहीं चाहते हो तो मैं ऐसे डालूंगा, और आप चाहते हो तो, अच्छा ठीक है, आपका आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका फेस में ब्लार कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अभी पेमेंट डाल के इसका एक क्यूआर पेमेंट डाल के मेरे को उसका स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट भेज दो। हाँ ठीक, तो अभी जो फोन है इसका अनलॉक हो गया है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। और जिन भाइयों का तकलीफ़ होता है कि पैसे देने से काम नहीं बनेगा, वो इस वीडियो का पूरा जरूर देखें। और एक्चुअली जो वीडियो मैंने कैसे अनलॉक करते वो मैं दिखा नहीं सकता, ये मेरा खुद का प्रोफेशनल है और इसमें एक्चुअली ये दिखाएंगा तो हर आदमी ऐसे ही करने लगेगा तो मेरा बिजनेस छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। और ये मैंने बहुत पैसा खर्च करके इसको मैंने सीखा, कोर्स लिया और काफ़ी सारी टूल्स मैंने ख़रीदा, कौन सी टूल्स में क्या क्या काम हो रहा है ये मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रूफ दे दिया कि भी आपका जो फ़ोन है मैंने आपका सामने इसको अनलॉक कर दिया, ठीक है। तो आपका अभी आपका विचार है कि मैं मेरे से काम होता है नहीं होता है, आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। ये जो ये पहले का कंडीशन था फ़ोन का ये वाला, और वो कस्टमर भी वीडियो डालने वाला है उसका, ठीक है। तो जैसे मैंने उस बंदा का काम करा दिया और उन्होंने उसको बोला कि पेमेंट कर दो, पेमेंट डाल दो जल्दी, तो उसके बाद आप इधर देख लो तो लॉक हो गया था, उसका काम किया था मैंने थर्सडे को, तो मतलब दो दिन हो गया, मैंने दो दिन रुका, फ्राइडे को फ़ोन किया, फ़ोन कैंसिल नहीं किया, उस दिन तो उन्होंने पेमेंट नहीं डाला था, तो फ्राइडे को कॉल किया था पेमेंट नहीं डाला, और जो वीडियो डालने को लिए बोला था वो भी नहीं डाला, मेरे को पूरा ब्लॉक कर दिया इधर से, तो मेरा को पूरा ब्लॉक कर दिया। सैटरडे को भी मैंने कॉल किया, मेरे को एक्चुअली ब्लॉक ही कर दिया। तो दूसरे फ़ोन से मैंने काफ़ी ट्राई किया, फ़ोन पकड़ते हैं रिसीव करते हैं, मेरा आवाज़ सुनते ही फ़ोन को काट कर देते हैं, तो इसने मेरे को पैसा नहीं दिया, इसलिए उसको मैंने मैसेज भी किया। ये नंबर चेक कर लो, ये नंबर, इस नंबर से मैंने मैसेज भी किया, भाई अनलॉक के पैसा देंगे या नहीं देंगे बोल दो, आपने तो मेरे को ब्लॉक कर दिया, ऐसा करके मैसेज किया। उसके बाद मैसेज में मैंने उसको बोला मैसेज में ही लिख दो आप पैसे दोगे या नहीं दोगे, तो मतलब उस बंदे ने पूरा मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा ही होता है, जिस बंदे का काम एक बार निकल जाता है तो उन लोगों को जो थोड़ा सा पैसा है उतना ही उन लोगों को ज़्यादा लगता है और पैसा देता नहीं, ठीक है। तो जिस भाइयों ने बोलते रहते हो चिल्ला चिल्ला के बड़ा बड़ा बात करके काम करा दो पैसा दे दूंगा काम करने के बाद, तो वो लोग के लिए वीडियो है, तो वो लोग इस वीडियो को देखो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको मैंने दिखाया जे कि मेरा पास का आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। आप लोगों को मैंने इस वीडियो के ज़रिए में कैसे अनलॉक करना है वो नहीं सिखाया, मैंने जस्ट ये दिखाने के लिए वीडियो डाला हूँ कि आप लोग विश्वास करके काम करा सकते हो, काम होता है, ऐसा नहीं है काम बिना काम करके आप लोगों से पैसा लेता हूँ, और एक्चुअली पैसा तो लेता हूँ काम करके ही, लेकिन उसके बाद भी आप लोग पैसा देते नहीं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखो, देख कर ही आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, क्या सीन है क्या सीन नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।